वेलकम बैक टू माय चैनल सिलोनी शर्मा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और बस आप ऐसे ही खुश रहिए। फ्रेंड्स आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक तीखी सी स्पाइसी सी चटपटी सी जो सबको बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे वो खाने के साथ हो, चाहे वो स्टार्टर के साथ हो, किसी स्नैक्स के साथ हो, सबको बहुत अच्छी लगती है और वो है हरी चटनी। अब मैं बताती हूँ ये हरी चटनी मैंने कैसे बनाई। तो मैं आपको एक ही चटनी से दो तरह की चटनी बनाना सिखाऊंगी, एक तो जैसे हमें रेस्टोरेंट में स्टार्टर के साथ मिलती है और एक जो हम देखते हैं मार्केट में अगर हम कुछ लेने जा रहे हैं खस्ता कचौरी वगैरह कुछ ऐसा तो उसके साथ भी हमें हरी चटनी मिलती है। अगर हम कुछ और लेने जा रहे हैं हरी चटनी हमें बहुत सारी चीजों के साथ मिलती है जो हम सोचते हैं हम इसको घर पे कैसे बनाए, तो आज मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ये चटनी कैसे बनेगी। और चटनी बनाने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज कुछ तीखा बनाते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको बता देती हूँ हरी चटनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। हरी चटनी बनाने के लिए पुदीना और साथ में धनिया और साथ में हरी मिर्च चाहिए होगी, बस यही तीन चीजें आपको चाहिए होगी हरी चटनी बनाने के लिए। मैंने इन सबको इकट्ठे ही धो लिया था, अच्छे से साफ करके इकट्ठे धो लिया था। अगर आप मेरी तरह इकट्ठे धोना चाहते हैं इकट्ठे धो सकते हैं, अगर आप इसको अलग अलग धोना चाहते हैं आप इसको अलग अलग भी धो सकते हैं। इकट्ठे धोने से एक फायदा हो जाता है टाइम सेविंग की, जो है वो हमारा टाइम सेव हो जाता है। अलग अलग धोने से बेटर है इकट्ठे ही सबको साफ किया और इकट्ठे ही इन सबको धो लिया। मैंने इन सबको इकट्ठे धो लिया है। अब मैं बताती हूँ इसको बनाना कैसे, ये बने कि पूरी आप जैसे मार्केट में लेते हैं हरी चटनी बिल्कुल वैसे बनेगी। और मैं ये भी बताऊंगी इसी चटनी को हम जो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वो हमें जो स्टार्टर के साथ हरी चटनी देते हैं वो कैसे हम इस चटनी के साथ बना सकते हैं, मैं वो भी इसी चटनी से बनाना आपको सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की इसको हमने बनाना कैसे है, तो लेट स्टार्ट। ये बताती हूँ कैसे क्या करना। हमने इसको स्मॉल स्मॉल पोर्शन में इसमें डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना, ज्यादा मत डालिए, अगर ज्यादा डाल दिए ये ग्राइंड नहीं होगा। आप स्मॉल स्मॉल पोर्शन में इसको डालिए और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। पहले आप मिक्सर ग्राइंडर को आहिस्ता से इसकी स्पीड बढ़ाना, एकदम से मत बढ़ाना, आहिस्ता आहिस्ता से इसकी स्पीड बढ़ानी है हमें। अब देखिए कैसे होगा। मैं बताती हूँ इसको बिल्कुल वैसे वाला ग्राइंड कैसे करना है। पहले आप जितना भी आप चटनी बनाना चाहते हैं वो पहले सारा इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए। जब आपने सारी चटनी ग्राइंड कर ली है, इस तरह से हो गई है, आपने क्या करना है सारी की सारी एक ही बार में इसमें डाल देनी है। सारी डाल दीजिए और इस सारी चटनी को डाल के इकट्ठा ग्राइंड कीजिए ताकि ये एक जैसी बन जाए, ये ना हो कुछ मोटी है कुछ पतली है, इसलिए आप इसको एक बार सारी की सारी डाल के इकट्ठे ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लीजिए। और मैं इसको इकट्ठे ग्राइंड करने लगी हूँ ताकि एक जैसी बन जाए। एक जैसी हो गई है, एक जैसी ये आ गई है, एक ही फॉर्म में आ गई है, देखिए। अब आपने स्टेज पे क्या करना है, इसमें आपने साल्ट डालना है। साल्ट डाल के आपने इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर देना है। अभी मैं आपको बताऊंगी आपने साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और मैं आपको बताऊंगी लेमन कितना डालना है इसमें। मैं इसमें साल्ट ऐड करने वाली हूँ, मैं 1 कप इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर कम हो उसके बाद भी आप डाल सकते हैं, ये मैंने 1 कप इसमें ऐड कर लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिए। और जब आपने साल्ट ऐड कर दिया है इसमें को हल्का सा फिर से ग्राइंड कर लीजिए, ज्यादा नहीं हल्का सा, ताकि जो साल्ट है वो भी सारी चटनी में मिक्स हो जाए। बस हल्का बस
थोड़ी देर के लिए आपने इसको इस तरह से कर लिया कि साल्ट भी सारा का सारा मिक्स हो जाए। और मैं बताती हूँ इसमें आपने क्या करना है, फ्रिज में आपने क्या करना है। मैंने 4 लेमन लिए हैं, ये 4 लेमन मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी चटनी को थोड़ा खट्टा भी मिल जाएगा और इससे जो चटनी है वो काली नहीं होगी, जैसी आपने बनाई है हरी हरी ये इसी तरह से रहेगी। बस आपने इसमें ये नींबू ऐड कर लेने हैं, मैंने 4 किए हैं, आप जितने चाहते हैं उतने ऐड कर सकते हैं। तो मैं 4 ऐड कर रही हूँ। और जब आप ये खाओगे ना हरी चटनी, आप घर पे डेली बनाओगे, क्योंकि अब तो मैं इसको खत्म ही नहीं होने देती। जब खत्म होती है हम फिर से बना के रख देते हैं इसको, तो ये खाने के साथ या किस कोई आपने स्टार्टर बनाया है उसके साथ किसी भी चीज के साथ इसको ले सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आप इसमें खट्टा डाल रहे हैं उसके बाद आपको साल्ट कम लगता है, आप साल्ट उसके बाद भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ब्लैक साल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवा आप कुछ मत ऐड कीजिए, क्योंकि ये इसी तरह से अपना टेस्ट बनाए रखती है, इसमें हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस आपने ये नींबू इसमें डाल देने हैं जितने भी आपने डालने हों, और देखिए इसका कलर भी हरा हो गया है। और ये आप जितनी देर मर्जी स्टोर करके रख सकते हैं, ये नहीं है कि आपको हफ्ते के अंदर इसको खत्म करना है, ऐसा नहीं है, आप इसको काफी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। और मैं इसी के साथ आपको बताती हूँ दूसरी चटनी जो हमें रेस्टोरेंट में स्टार्टर के साथ मिलती है। आपने बस क्या करना है, आपने ये कर्ड लेना है, ये कर्ड लिया मैंने, और इसमें मैंने ये 1 टेबल स्पून डाल के देखते हैं इसका कलर कैसा आता है। बस आप इसमें ये ऐड कीजिए, अच्छे से इसको ऐड कर लीजिए ताकि हमें कर्ड दिखे ही ना, जैसे हमें वहां पर होता है ना, उस तरह से आप इसको अच्छे से ऐड कर लीजिए। ये देखिए ऐसे ही मिलती है ना हमें वहां पे भी, बस कर्ड अभी मैंने अच्छे से ऐड नहीं किया, इसको अच्छे से मिक्स नहीं किया। आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये आपका इस तरह से चटनी बन जाएगी। अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए आप उसमें इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद साल्ट कम लगता है आप साल्ट उसके बाद भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सेम वैसी ही बनी है। बस देखिए चटनी आपने एक ही बनानी है और आप 2 तरह से इसको बना सकते हैं। एक बार ये हरी चटनी बना दी, और आप इसको दही वाली चटनी को आप बना के मत रखिए, जब आपने खानी हो ना आप उसी वक्त इस हरी चटनी को दही में ऐड कीजिए और खाइए। कम से कम 2 दिन से ऊपर मत रखिए, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो वो खराब होने का डर होता है, दही में बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी ही खराब हो जाता है। इसलिए आपने जब खानी होगी आप दही वाली अगर कर्ड वाली बना रहे हैं उसको फ्रेश ही बना के खाइए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपने बनाई कैसी बनी, और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो फ्रेंड्स बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो, बाय।